विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन एटम स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्बिट एन इज इक्वल्स टू 7 विल प्रोड्यूस इंफ्रारेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 2170 नैनोमीटर. ठीक है, हमें एन टू बताया हुआ है 7, वी हैव टू कैलकुलेट एन वन, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो ट्रांजिशन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दैट इज 2170 नैनोमीटर, है ना. ठीक है, तो रिडबर्ग फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर. ओके, तो वेवलेंथ कितना दिया है 2170 नैनोमीटर. आर को भी ऐसे ही रखते हैं. किसकी बात करें, हाइड्रोजन आटम की. n1 निकालना है और n2 इज 7, दैट मीन 7 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 49. ठीक है, ओके. तो अब मैं अगर आर को इधर ले आऊं, इसी स्टेप में ले आता हूं, तो 1 अपॉन में 2170 आर इज इक्वल्स टू ये पूरा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 49. अब 1 बाय आर हमने करा था ना, 1 बाय आर जो होता है वो कितना होता है 91.2 नैनोमीटर, या इसी को बोल सकते हैं 912 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो 1 बाय आर को मैं सीधा सीधा क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय आर को आई कैन राइट 91.2 अपॉन में 2170 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 49. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 91.2 अपॉन में 2170 जब करोगे आप तो कितना आएगा 0.04. 1 अपॉन 49 को मैंने इधर शिफ्ट किया, क्या किया मैंने, इसको डिवाइड किया, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.04 आता है. 1 अपॉन 49 को इधर लेकर आई, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n2 का स्क्वायर. 1 अपॉन 49 या 1 अपॉन 50, ठीक है, दैट इज 1 अपॉन 50 0.02. तो 0.04 प्लस 0.02 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n2 का स्क्वायर. दिस कम्स आउट टू बी 0.06 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n2 स्क्वायर. तो यहाँ से n2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 0.06, दैट इज 100 अपॉन 6. ये कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 16. तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4. ये रहा ऑप्शन नंबर सी. थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जाएगा. हमने क्या किया है, वेवलेंथ रखा, 1 बाय आर की वैल्यू रखी 91.2. जब इसको सॉल्व किया तो 0.04 आया. 1 अपॉन 49 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख लिया, 1 अपॉन 50, और 1 अपॉन 50 कितना होता है 0.02. ठीक है, एंड फर्दर सॉल्व करने के बाद मेरा n2 कितना आया है, n1 कितना आया है 4. ठीक है, अगर ऑप्शंस से भी देखेंगे तो फिर हमें सबकी कैलकुलेशन करने पड़ेगी, तो बेटर है हम इसी तरीके से n2 को सॉल्व करें.